क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। भारतीय टीम ने सिडनी टेस्ट में अपना दबदबा बना लिया है और कंगारुओं के 6 विकेट गिरा दिए। इस बीच छठे विकेट के रूप में आउट हुए कंगारू कप्तान टिम पेन को जिस अंदाज में कुलदीप ने आउट किया, कमेंटेटर इसे इस साल की सबसे बेहतरीन बॉल कहने लगे। तो ये कंगारू पारी का 69वां ओवर था, कुलदीप के ओवर की आखिरी बॉल थी। कंगारू कप्तान टिम पेन कुछ देर पहले ही क्रीज पर आए थे। इस बीच कुलदीप ने शानदार टिपिकल लेग स्पिन बॉल फेंकी। अब चाइनामैन बॉलर की लेग स्पिन को टिम पेन समझ नहीं पाए। कुलदीप ने बिल्कुल टिम पेन के पैरों के पास फ्लाइटेड बॉल का टप्पा फेंका और बॉल टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ स्पिन हुई। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि टिम पेन बल्ला तक नहीं लगा पाए और ऑफ स्टंप से बाहर गिरी बॉल ने टिम पेन का लेग स्टंप हिला दिया, यानी टिम पेन बोल्ड हो गए। इस बॉल को देखकर कमेंट्री कर रहे दिग्गज हैरान हो गए। माइकल क्लार्क ने इसे साल की सबसे बेहतरीन बॉल करार दिया, तो वहीं सुनील गावस्कर ने भी कुलदीप की जमकर तारीफ की। कुल मिलाकर कुलदीप ने कप्तान का काम शानदार तरीके से अंजाम दिया और एक बेहतरीन बॉल फेंकी। तो कुलदीप के इस कमाल पर आप क्या कहेंगे, आप भी कमेंट जरूर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।